नमस्कार, समय पे लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के पंचकुला से, जहां पर आज नगर निगम के चुनाव जो हुए थे उसके नतीजे यानी कि मतगणना आज यहां पर की गई थी। और जिसके बाद फिलहाल अगर हम लोग मेयर पद की बात करें तो भाजपा के जो प्रत्याशी हैं कुलभूषण गोयल, वे लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। 4500 से 5000 वोटों से जो है आगे चल रहे हैं। और फिलहाल 18 राउंड की जो काउंटिंग है वो आ चुकी है, जिसमें कि अभी तक भाजपा के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। उसके अलावा अगर हम लोग पार्षदों की बात करें, 20 वार्ड यहां पर है जिनमें से 10 के नतीजे आ चुके हैं और बाकी 10 के फिलहाल काउंटिंग जारी है। लेकिन उन 10 नतीजों में से 6 भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वे इस चुनाव में जीते हैं, एक जजपा का है और 3 कांग्रेस के। और भाजपा की अगर हम बात करें, जश्न यहां पर मनाते हुए जरूर नजर आ रहे हैं सभी जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। लाइव तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं, हमारे साथ एक पार्षद जो है यहां पर मौजूद भी है, रिया गोयल, जो कि भाजपा से जिन्होंने अपनी जीत हासिल की है, उनसे हम लोग बातचीत भी करेंगे। आप लोगों से अपील यही रहेगी कि इन तस्वीरों को भी जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। मैम, मैम क्या कुछ बताना चाहेंगे, जीत हासिल की है? कितने मतों से आप जीते हैं? 401। भाजपा से वार्ड नंबर 3 से रितु गोयल। अपना कॉम्पिटिटर किसको मानते हैं? भावना गुप्ता। और अगर हम लोग मेयर पद की बात करें, उसमें भी भाजपा जीतती हुई नजर आ रही है, 4500 से 5000 वोट लगातार जो है बढ़ोतरी है, क्या कुछ उस बारे में बताना चाहेंगे? हम तो यही चाहेंगे सारी सीटों से बीजेपी जीते, विकास किया है विकास करेंगे, काम किया है काम करेंगे। हमारी जनता ने, हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं ने और मेरे पूरे परिवार ने हमारा साथ दिया, सहयोग बढ़ाया। भारतीय जनता पार्टी विकास के कार्यों पर ध्यान दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी सेक्टर 16 और 17 में सिक्योरिटी फेंसिंग की समस्या है, वाटर लॉगिंग की समस्या है, पार्किंग की समस्या है, स्ट्रे कैटल एंड स्ट्रे एनिमल्स जितने भी हैं उनकी समस्या है, उनको प्रायोरिटी बेसिस पे दूर किया जाएगा। इसके अलावा पार्क ब्यूटिफिकेशन की समस्या भी है, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स रिकार्पेटिंग, बहुत सारी समस्याएं हैं, सभी को हम जितनी जल्दी हो सके हल करेंगे। धन्यवाद। तो ये आप देख सकते हैं भाजपा के कार्यकर्ता जो हैं और जो लोग जुड़े हुए हैं वो यहाँ पर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। मेयर पद की हम बात करें, लगातार कुलभूषण गोयल पूर्व मेयर उपेंद्र अहलुवालिया से 4500 से 5000 वोटों से जो है आगे बढ़त अपनी बनाए हुए हैं। अभी भी हालांकि नतीजे आना बाकी है, लेकिन जो अभी तक की तस्वीरें पंचकुला में देखने को मिल रही है, उससे पहले हम लोगों ने आपको सोनीपत की तस्वीरें दिखाई, अम्बाला से तस्वीरें दिखाई, किस तरीके से हरियाणा में कुल 3 जिलों में नगर निगम के जो चुनाव है वो आज उनकी जो मतगणना है वो यहाँ पर की गई है। उसके अलावा अगर हम बात करें रेवाड़ी में नगर परिषद में सांपला धारूहेड़ा और उकलाना में नगर पालिका के जो चुनाव थे उनके मतदान जो कि 27 दिसंबर को हुए थे और आज मतगणना थी, जिसमें कि पंचकुला में भाजपा की जीत होती हुई नजर आ रही है। वही अगर हम सोनीपत की बात करें तो वहां पर जहां उपचुनावों में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, वही इस चुनाव में भी कांग्रेस आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन पंचकुला में जिस तरीके से भाजपा जो है वो अभी भी बढ़त बनाई हुई है, 10 पार्षदों में से 7 जो है भाजपा के हैं और मेयर पद के लिए भी जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो फिलहाल 4500 से 5000 की बढ़त पर हैं। लगातार हम लोग आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि देश भर की निगाहें जो है वो हरियाणा पर जरूर टिकी है, क्योंकि किसान आंदोलन का सीधा सियासी प्रभाव प्रदेश की राजनीति पर पड़ रहा था। और उसके बावजूद अगर पंचकुला की हम बात करें, जहां पर कमल का फूल जो है यहाँ पर लहराता हुआ नजर आ रहा है और भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं जीत हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय आप लाइव तस्वीरें लगातार देख रहे हैं पंचकुला से। हरियाणा के टोटल 7 शहरों में जो है निकाय चुनाव की मतगणना आज हुई थी, जिसमें से पंचकुला की तस्वीरें हम लोग आपको लगातार यहाँ से दिखा रहे हैं। उसके अलावा मेयर पद पर भी
बताना चाहेंगे, किसान आंदोलन को देखते हुए कहीं ना कहीं सरकार पर असर जरूर हो रहा था, लेकिन पंचकुला में भाजपा जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखो ये थोड़ा समय का चक्कर है, जैसे ही लोगों को वास्तविकता पता लगेगी तो वो सभी खुश होंगे। ये कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं जो कुछ जो पीछे से गलत मैसेज लोगों को दे रही हैं, जो कि ठीक नहीं है। मैं कहती हूँ इस गलत मैसेज को ना पर वो आगे बढ़ाएं, जो वास्तविकता है उसको सामने लेकर आएं सभी, और एक ना एक दिन दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ये आपने देखा, हालांकि जो कार्यकर्ता हैं वो यही आज भी यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो किसान आंदोलन है उसमें कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक तत्वों का या विपक्षी पार्टियों का हाथ जरूर है, लेकिन इन चुनावों की अगर हम बात करें, जैसे कि हमने आपको बताया कि तीन प्रत्याशी ऐसे भी थे जो कि कांग्रेस से थे और जिन्होंने जीत हासिल की है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी यहाँ पर जश्न मनाती हुई जरूर नजर आ रही है। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से हाथ का झंडा जो है वो यहाँ पर लहराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि खुशी जरूर है अलग अलग वार्ड से जो अलग अलग पार्षद उम्मीदवार जो है प्रत्याशी जो है जो कि खड़े हुए थे और वे उनके नतीजे आज यहाँ पर आ रहे हैं। लगातार तस्वीरें हम लोगों ने आपको दिखाई, हमारी अपील बार बार यही है कि इन तस्वीरों को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इन चुनावों के चलते पूरे देश भर की नजर जरूर थी हरियाणा पर, और तीन अहम जिले जहाँ पर नगर निगम के चुनाव हुए, सोनीपत, अम्बाला और पंचकुला, तीनों से लाइव तस्वीरें लगातार हम लोगों ने आपको दिखाई, आगे भी दिखाते रहेंगे, और अपील यही रहेगी कि इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। उर्वशी चावला, कनाल ब्रेकिंग न्यूज, पंचकुला।